हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ अंजलि, अंशिका ब्यूटी पार्लर से। और जो आज की वीडियो है गाइस, उसमें हम लोग देखेंगे कि पीलिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं, पीलिंग हम कौन सी स्किन पे करते हैं, पीलिंग करने का सही तरीका कौन सा होता है। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो जिसके स्किन पे पिंपल होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो जो गाइस हम लोग पीलिंग करते हैं वो पिंपल वाली स्किन के लिए होता है, जिसको बहुत सारे पिंपल्स होते हैं उनके लिए पीलिंग सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उनके फेस पे ब्लीच या डिटैन नहीं सूट करता। इसलिए जिसके भी स्किन पे पिंपल्स होते हैं उसको हम लोग पीलिंग करने के लिए कहते हैं। तो पीलिंग करने के लिए जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मेरा जोवीस का पील ऑफ मास्क। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाउल में ले रही हूँ, जैसे कि क्वांटिटी आप सब देख सकते हो इतना आप लोगों को लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे टोनर का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो भी हम लोग पीलिंग करते हैं उसमें हम लोग टोनर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो टोनर मैंने यूज़ किया है वो है एप्पल टोनर। आप सब देख सकते हो क्वांटिटी मैंने टोनर की कितनी रखी है और जो पाउडर है हमारा उसको किस तरीके से लिया हुआ है। जैसे आप लोग फेस के लिए ब्लीच को निकालते हो उसी तरीके से हम लोग ये जो हमारा पील ऑफ मास्क होता है इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो मैंने सिर्फ टोनर और पाउडर जो होता है इसका इसको यूज़ किया है, इसको अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद हम जो भी क्लाइंट है हमारा उसके फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो गाइस इनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल है। तो सबसे पहले मैंने इनके फेस को अच्छे से टोनर से क्लीन किया था। हम इसमें क्लींजर का यूज़ नहीं करेंगे क्लीन करने के लिए, आप टोनर से फेस को क्लीन कर सकते हो। क्लीन करने के बाद जो हमने मास्क बनाया है उसको हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने का तरीका आप सब देख सकते हो गाइस, जैसे कि हम लोग ब्लीच और डिटैन अप्लाई करते हैं इसको भी हम उसी तरीके से अप्लाई करते हैं। लेकिन जो हमारा ब्लीच होता है उसको हम हेयर पर अप्लाई नहीं करते, मतलब कि थ्रेडिंग के पास ज़्यादा अप्लाई नहीं करते। तो लेकिन आप पीलिंग को इसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इससे थ्रेडिंग मतलब बालों पे कोई भी आपका इफेक्ट नहीं होने वाला है, इसलिए आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। बस इसको आप लोगों को आईज़ के पास से थोड़ा सा दूर रखना है, जैसे आप लोग ब्लीच में करते हो। लेकिन अगर थ्रेडिंग पे लग भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो गाइस इसको हम इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये मास्क है पील ऑफ मास्क। तो इसको हम लोग अप्लाई करने के बाद 10 to 15 मिनट के लिए इसको ड्राई होने तक रख देंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे फेस पे इनके बहुत ज़्यादा पिंपल था। तो डिटैन और ब्लीच मैंने नहीं किया है, यहाँ पे मैंने पीलिंग की है। और पीलिंग जो होती है गाइस उसको अगर आप लोग 15 डेज पर लेते हो, अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल है तो आप लोग अगर पीलिंग को 15 डेज पे करके लेते हो, इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट अगर आप कराते हो पिंपल आपके बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए हम लोग पीलिंग का सजेशन देते हैं कि जिसके फेस पे पिंपल होते हैं वो पीलिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो हमने इसको पैक को अच्छे से अप्लाई कर दिया है। इसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद हम अपनी मसाज को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस 10 मिनट के बाद हम अपनी मसाज को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप सब देख सकते हो जो हमारा पैक है वो अच्छे से ड्राई हो गया है। और जो मसाज हमें करनी है गाइस उसमें आप लोगों को टोनर का ही यूज़ करना है, क्योंकि पिंपल है गाइस। पिंपल अगर आप बेसिक देखेंगे तो जिसकी ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा होती है उसी को पिंपल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पिंपल या फिर ऑयली स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है हमारा टोनर। टोनर अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप लोग जो हमारा रोज़ वाटर होता है उसको नहीं यूज़ करेंगे, उसके जगह पे आप लोग टोनर को यूज़ करें। क्योंकि गाइस जिसकी स्किन ऑयली होती है उसको ही ओपन पोर की प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोग टोनर को यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि हम पीलिंग किस स्किन पे करते हैं। आई होप गाइस कि ये क्लियर हो गया होगा कि पीलिंग हम लोग किस स्किन पे करते हैं। जिसके स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं उसके स्किन पे हम लोग पीलिंग को करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्किन दिखाई इनकी, इनके स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल है इसलिए हम लोग पीलिंग कर रहे हैं। तो अब हम लोग देख लेंगे कि इसको करते कैसे हैं। तो करने का तरीका मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम इसको टोनर में मिक्स करते हैं, उसके बाद इसको पैक की तरह पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे, फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपने मसाज स्टेप को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे गाइस आप सब मसाज स्टेप हमारे देख सकते हो, इसमें आप लोगों को बहुत सारे जो भी हमारे मसाज के स्टेप होते हैं उसको आप लोगों को नहीं करना होता, बस क्योंकि ये पिंपल वाली स्किन है और सेंसिटिव भी है। तो आप लोगों को सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही मसाज करने हैं और इसको ड्राई नहीं होने देना है। जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे मैं बीच बीच में टोनर का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको भी करना है, क्योंकि अगर ये जो हमारा पैक है वो ड्राई हो जाएगा
तो वो पिंपल पे बहुत ज़्यादा लगता है। इसी वजह से हम इस पे टोनर का यूज़ करते रहेंगे, जिससे कि आपका जो पैक है वो ड्राई नहीं हो। और आपको मसाज भी इसी तरीके से करनी है। और इतना ध्यान रखना है गाइस कि जो मसाज आप देते हो उसमें आप लोगों का जो हाथ होता है वो बहुत लाइट चलना चाहिए, क्योंकि अगर स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेप नहीं करने, सिर्फ जो नॉर्मल स्टेप होते हैं जैसे कि हमारा जनरल स्ट्रोक हो गया, ये SN8 हो गया, इस तरीके के स्टेप हम लोग करते हैं। और आप देख सकते हो गाइस मैं आइस पे यहाँ पे स्टेप नहीं कर रही, क्योंकि आइस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं आइस को स्किप करके सिर्फ फेस पे और फॉरहेड पे ही इसको स्टेप को चला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेक पे भी यूज़ नहीं किया है इस स्टेप, क्योंकि नेक पे पिंपल्स नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ फेस पे ही हम मसाज को देंगे। तो आप सब देख सकते हो गाइस SN8 सर्कुलर मोशन क्रिस क्रॉस, बस हम यही सारे स्टेप करेंगे पीलिंग में। और गाइस जो पीलिंग की टाइमिंग होती है वो 15 से 20 मिनट तक की होती है। इसमें आप लोगों को दो बार में करना होता है, जैसे कि फर्स्ट टाइम हमने ड्राई होने के लिए रखा था, उसी तरीके से जब हम मसाज कर लेते हैं फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर जब ये अच्छे से ड्राई हो जाता है फिर हम लोग स्टेप को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी आप सब देख सकते हो जितना भी मैंने टोनर लिया था उसको अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया है, और अब हम लोग इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, हमें फेस को क्लीन नहीं करना क्योंकि ये पील ऑफ मास्क है। तो यहाँ पे मैंने 2 टाइम इसको मास्क की तरह यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने पैक लगा के छोड़ दिया था, उसके बाद मसाज स्टार्ट की थी। फिर अभी आप सब देखोगे गाइस तो यहाँ पे अब हमारी मसाज एक बार कंप्लीट हो गई है। इसको अब हम लोग इस तरीके से छोड़ देंगे, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर हम लोग टोनर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मसाज करेंगे। तो यहाँ पे आप सब एक बार स्टेप को ध्यान से देख लीजिए। सो गाइस फर्स्ट स्टेप मसाज हम लोगों की हो गई है, इसको अब हम लोग छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। यहाँ पे आप सब देख सकते हो पैक अच्छे से ड्राई हो गया है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा उसको करेंगे। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो फिर से मैंने टोनर को अप्लाई किया है, उसके बाद हम उसी तरीके से फिर से एक बार मसाज देंगे, फिर हम इसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे अभी आप सब मसाज के स्टेप को देख लीजिए, मैं यहाँ पे प्रॉपर वही स्टेप कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में, जो भी हमारे स्टेप होते हैं हम उसको ही करेंगे, और बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेप हम लोग इस पर नहीं चलाएंगे। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, और आप लोग स्टेप को एक बार ध्यान से देख लीजिए गाइस। उसके बाद हम लोग जब हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसको रिमूव कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो यहाँ पे देखो गाइस आप सब हमारी मसाज अब कंप्लीट हो गई है, इसको आप लोगों को स्पंज की हेल्प से या फिर आप लोग टिश्यू की हेल्प से रिमूव कर सकते हो। और गाइस रिमूव भी आप लोगों को बहुत ही ध्यान से करना है, जिससे कि क्योंकि इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, तो आपके आईज में या माउथ में ना जाएँ। आपको इतना ध्यान रख के अच्छे से इसको क्लीन करना है। तो यहाँ पे आप सब क्लीन कैसे करते हैं वो देख लीजिए। आई होप गाइस कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग पीलिंग क्यों करते हैं, किस स्किन पे करते हैं और किस तरीके से करते हैं। और गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन सी चाहिए, तो मैं उस पर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी।